गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा उसका नाम है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे सूक्ष्म जीव यानी कि छोटा सा जीव, बहुत छोटा है ना। और फिर लिखा है मित्र, मित्र मीन्स हमारा दोस्त जो हमें लाभ पहुंचाता है, और शत्रु यानी कि जो हमें नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसे ही हमें सूक्ष्म जीव के बारे में पढ़ना है जो हमें लाभ भी पहुँचाते हैं और हानि भी पहुँचाते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ सकते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होता है। तो सूक्ष्म जीव ऐसे जीव को कहते हैं जो बिना किसी यंत्र की सहायता से, केवल आँखों से नहीं देखे जा सकते। इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं, ये सूक्ष्म जीव है ना। तो आप इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं कि यदि हम घरों में देखें, हमारे बारिश के दिनों में अगर किसी टिफिन में हमने रोटी रखी है और वो पैक हो गई है, दूसरे दिन हम जब उसको ओपन करेंगे तो उसमें देखेंगे छोटे 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 ब्लैक कलर के स्पॉट्स नज़र आने लगते हैं, है ना। और यदि हम इनको लेंस में देखें तो ये हमें गोल सूक्ष्म सी रचनाएं नज़र आती है। क्या चीज़ है ये सूक्ष्म जीव है जो अभी हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम यदि इनको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये हमें स्पष्ट रूप से एक जीव की तरह नज़र आएंगे। तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि आप किसी भी बगीचे में जाएं या गार्डन में जाएं, वहाँ से थोड़ी सी गीली मिट्टी ले लें, और दूसरे एक्सपेरिमेंट में दिया हुआ है कि आप तालाब का पानी थोड़ा सा ले लें, और दोनों को, गीली मिट्टी को भी हमको थोड़ी सी मात्रा में स्लाइड पर रखना है, और एक ड्रॉपर की सहायता से एक बूंद तालाब के पानी की भी हमको स्लाइड पर रखना है। अब इन दोनों को हमको माइक्रोस्कोप में देखना है तो हमें क्या नज़र आएगा, हमें इनमें जो पानी है ना, इसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव तैरते हुए गति करते हुए नजर आएंगे, और साथ में जो मिट्टी है ना उसके अंदर भी हमको छोटे छोटे सूक्ष्म जीव नजर आएंगे। जो हमें, अगर हम कहें ये क्या है तो बस सिंपल सी मिट्टी बोलेंगे आप लोग, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो छोटे छोटे जीव उनमें नजर आएंगे। ऐसा ही सेम पानी के साथ भी होगा कि पानी को देखेंगे तो कहेंगे पानी है सिंपल सा, लेकिन उसके अंदर भी छोटे छोटे जीव होते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि पानी को हमेशा ढककर रखिए, छान के पीजिए, उसको साफ कीजिए, फिल्टर कीजिए, नहीं तो आप बीमारियों के शिकार हो जाएंगे, यानी कि एक सूक्ष्म जीव आपके ऊपर हमला कर देंगे अगर आप प्रदूषित पानी पीते हैं तो, है ना। अब हमने ये देखा कि इनमें तो सूक्ष्म जीव थे छोटे छोटे। अब जो ब्रेड पे उगने वाले थे ना, वो क्या थे, कवक। इन्हें हम क्या कहते हैं, कवक। यदि हम इन्हें आवर्ध लेंस की सहायता से देखेंगे ना तो ये हमें पूरी अपनी संरचनाएं, नीचे एक जाल होता है उस पर छोटे छोटे से उगे हुए हमको ये अच्छे से नजर आ जाएंगे। अब यदि हम इन देखें ना सूक्ष्म जीव को, तो चार वर्गों में बांटा गया है। चार वर्ग कौन कौन से हैं, पहला जीवाणु है, दूसरा इसमें कवक है, तीसरा प्रोटोजोआ है, और चौथा इसमें शैवाल है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना, इनके बारे में अपना अभी डिटेल पढ़ेंगे। उससे पहले जो है ना, अपन वायरस के बारे में पढ़ेंगे। वायरस सूक्ष्म जीव हैं जो कि कैसे हैं, लिविंग भी हैं, नॉन लिविंग भी हैं। नॉन लिविंग कैसे हैं, निर्जीव कैसे हैं, ये अगर ये एटमॉस्फेयर में हैं तो ये नॉन लिविंग कंडीशन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी परपोषिका या किसी होस्ट में आते हैं, जैसे कि हम समझे कि यदि कोई पौधा है, कोई बैक्टीरिया है, कोई एनिमल सेल है, तो यहाँ पर आने के बाद में ये क्या करते हैं, तेजी से इनमें गुणन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस होते हैं, और थोड़ी संख्या में अपनी बहुत सारी विशाल सेना को ये तैयार कर लेते हैं, और उस कोशिका, उस सेल के ऊपर हमला कर देते हैं और उसको नष्ट करना शुरू कर देते हैं। तो ये इतने खतरनाक होते हैं। कौन कौन सी बीमारियाँ होती है इनसे, इनसे देखें तो हम जुखाम, ये अभी ठंड आ रहे तो सबको खूब होगा, इन्फ्लुएंजा है ना, खांसी, खांसी ये सब किसके द्वारा होते हैं, ये सब विषाणु के द्वारा होते हैं। इसके अलावा पोलियो, खसरा, ये भी वायरस के द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में भी वायरस, ये नाम बहुत चल रहा है, कहाँ सुन रहे हैं हम, कोरोना वायरस के नाम से सुन रहे हैं। तो ये कोरोना वायरस क्या है, ये भी ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कैसे हमला कर रहा है हमारी बॉडी पे, कई लोगों की डेथ भी हो रही है। तो इससे प्रोटेक्शन तो ये है ना कि बस सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क का प्रयोग करना है। तो ये जो वायरस इतना खतरनाक हमला कर रहा है, अब इससे बचाव करना तो बस यही है, क्योंकि अभी कोई मेडिसिन बनी नहीं है, है ना। तो कितना हार्मफुल हो गए हमारे लिए, छोटा सा जीव है और हम तो इतने बड़े हैं तब भी इसको नहीं रोक पा रहे,
ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव इतने खतरनाक होते हैं। इसके अलावा तो ये हमारा वायरस हो गया। सेकंड है हमारा अतिसार मलेरिया, ये किसके द्वारा होते हैं? प्रोटोजोआ के द्वारा होते हैं। अच्छा आप लोग है ना इनके नाम साथ साथ में याद कर लीजिए। पहला अभी हमने वायरस, तो वायरस से जुखाम, इन्फ्लुएंजा, कोरोना, पोलियो, खसरा, ये सब बीमारियाँ वायरस से होती है, ठीक। अब दूसरी वाली प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियाँ, तो यहाँ पे अतिसार हो गया, मलेरिया हो गया। अतिसार मतलब इसमें क्या होते हैं, लूज मोशन हो जाते हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना उनको दस्त लग जाते हैं। और फिर टाइफाइड, ये टाइफाइड और क्षय रोग किससे हो रहा है, तो ये भी याद रखिए ये किससे हो रहा है, विषाणु के द्वारा हो रहा है, सॉरी जीवाणु के द्वारा, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। तो यहाँ देखो टीबी, ये कौन सी, ये खतरनाक होती है, ये भी संक्रामक रोग होती है और ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम होता है इस बैक्टीरिया से, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये। और एक टाइफाइड, टाइफाइड भी काफ़ी खतरनाक बीमारी होती है, इसमें बुखार आता है, आंतों में घाव हो जाते हैं, तो ये किसके द्वारा होती है, बैक्टीरिया के द्वारा होती है। अब देखिए हम के चित्र भी देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया, ये स्पाइरल है और ये छड़नुमा है। तो बैक्टीरिया के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना, मोस्टली चार प्रकार में पाया जाता है। यहाँ दो तो आपके शो कर रखे हैं और एक जो होता है ना, कामा लगाते हैं आप लोग, कॉमा के आकार का, इस तरह के कॉमा का आकार का होता है जिसे बिब्रियो कहा जाता है। और दूसरे क्या होते हैं, इसे छोटे छोटे गोल गोल होते हैं, ये गोल नहीं बना, गोल बनाते हैं, इस तरह के गोल गोल रचना वाले होते हैं, है ना। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है कोकस। ये पैन ठीक से अभी वर्क नहीं कर रहा है, कोकस है ना, ये कोकस कहलाते हैं। तो ये दो बैक्टीरिया के बारे में आप समझ गए अभी, है ना, कौन कौन से बैक्टीरिया हमने देख लिए हैं यहाँ पर, एक कोकस को समझा है, विब्रियो यानी कामा आकार का समझा है, इसके बाद में हमने स्पाइरल देख लिया है, ये स्पाइरल हो गया, अब ये वाला छड़नुमा बैक्टीरिया हो गया। तो ये इसके प्रकार हो गए। अब देखिए ये शैवाल, एक है क्लेमाइडोमोनास और दूसरी है स्पाइरोगायरा। इसका स्ट्रक्चर देखिए ये कैसी है, एक कोशिकीय हैं ये जो चारों आपको दिख रहे हैं, चारों ही एक कोशिकीय हैं, लेकिन ये जो दो चित्र आपको नजर आ रहे हैं ना, अमीबा का और पैरामीशियम का, ये प्रोटोजोआंस हैं और ये शैवाल हैं, दोनों ये अलग अलग ग्रुप के हैं। अब यहाँ पर ये जो क्लेमाइडोमोनास है, इसमें ये दो निकले ना, ये इसके फ्लैजिलाज हैं, इससे ये भोजन भी पकड़ता है, चलने का काम भी करता है, और इसकी पूरी एक कोशिका इसके सारे मैकेनिज्म जो इसकी क्रिया विधि होती है वो कंप्लीट करती है। ऐसे ही स्पाइरोगायरा है, स्पाइरोगायरा की खासियत क्या है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ना, ये इसका हरित लवक है, इससे अपना खाना भी स्वयं बनाता है। ये अमीबा है एक कोश की, इसमें केंद्रक है, इसका अंदर का साइटोप्लाज्म है। और देखिए यहाँ पर जैसे फ्लैजिला थे ना इसमें, ऐसे इसमें ये क्या लगे हुए हैं, यहाँ पे सीलिया हैं, ये पैरामीशियम है, ये भी सूक्ष्म जीव है। इसके बाद में यदि हम कवक पे आ जाते हैं, तो इसमें ये देखिए राइजोपस, ब्रेड मोल्ड के नाम से जाना जाता है, जो रोटियों पे जो फफूंद उगती है ना, छोटी छोटी ऐसे काले काले रचना लिए ले रहती है, वो यही राइजोपस ब्रेड मोल्ड होती है, जो कि हमारे अधिकतर भोजन को खराब करती है। उसके बाद में पेनिसिलिन, तो ये जो पेनिसिलियम होता है ना, ये तो हमारे लिए लाभदायक है क्योंकि इससे कई एंटीबायोटिक्स हम बनाते हैं, एंटीबायोटिक्स तैयार की जाती है। फिर एस्परजिलस, ये भी कवक के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए हमने क्या क्या देख लिया, बैक्टीरिया देख लिया यहाँ पर, ये दो तरह के बैक्टीरिया नज़र आ गए हमें, स्पाइरल छड़नुमा, फिर हम यहाँ पे क्लेमाइडोमोनास को देख लिया है, और स्पाइरोगायरा ये शैवाल है, ये प्रोटोजोआ है, अमीबा और पैरामीशियम, इसके बाद में कवक है, राइजोपस, पेनिसिलियम और एस्परजिलस। इसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा वायरस, बहुत खतरनाक वायरस है ये, है ना, और ये बैक्टीरियोफेज का चित्र है। ये क्या करता है, वायरस जब एक बैक्टीरिया की सेल पे हमला करता है, तो उसके अंदर जाता है, बहुत रिप्रोडक्शन करता है, बहुत सारे वायरस बनाता है, और वो जब वायरस उस बैक्टीरिया की जो ऊपर की कोल है उसको फाड़ के बाहर निकलते हैं, तो वो इस स्ट्रक्चर में निकलते हैं जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारा मन में ये बनेगा कि भाई ये रहते कहाँ हैं, तो उसको समझते हैं हम। तो सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय होते हैं, चित्रों में भी हमने देखा अभी, तो यहाँ पर जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ, ये सब हो गए एक कोशिकीय में।
अब बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय में शैवाल और कवक, तो यहाँ पर ये डिफरेंस। अच्छा, शैवाल और कवक में क्या हो जाता है, इनमें श्रम विभाजन हो जाता है, कोशिकाओं का डेवलपमेंट होने लगता है, कई कोशिकाएं मिलके काम को करती है, इसलिए इन्हें हम बहुकोशिकी कहते हैं। बाकी इन सब सूक्ष्म जीवों में क्या होगा कि जैसे बैक्टीरिया है ना, वायरस है, प्रोटोजोआ है, और कुछ कुछ एक शैवाल जो है, वो सब कितनी कैसी होती है, एक कोशिकी, यानी कि एक कोशिका द्वारा इनका संपूर्ण कार्य कंप्लीट हो जाता है। तो ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं, बर्फीली शीत से लेकर उष्ण स्रोतों तक, यानी कि जो गर्म झरने होते हैं ना, गर्म पानी के झरने होते हैं, कई गैसें निकलती जो पानी को गर्म कर देती है, या फिर लावा निकलता है, ऐसी भूमि जहाँ बहुत गर्म होता है वहाँ भी ये रहते हैं, और जो बहुत ठंडे, जैसे हम ध्रुवीय स्थानों पे चले जाएं, हमारी जो पृथ्वी है ना उसमें उत्तरी ध्रुवीय दक्षिण है, तो वहाँ पर तो इतना ठंड होता है, माइनस में टेम्परेचर होता है, वहाँ पर भी ये प्रेजेंट रहते हैं, बर्फ़ के अंदर नीची तहों तक जमे हुए होते हैं बैक्टीरियाज। इसके अलावा ये मरुस्थल में, दलदल में, जहाँ मड होता है, बहुत कीचड़ होता है, आप लोगों ने फिल्मों में देखा होगा ना, धंसते चले जाते जमीन के अंदर, वहाँ भी कई बैक्टीरियाज रहते हैं, उनको मैनली मैथोजियन बैक्टीरिया कहा जाता है। आप लोग नोट भी करते चलिए, जैसे यहाँ नहीं लिखा है लेकिन आपको पता होना चाहिए, कई बार एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, है ना। तो और इसके अलावा जंतुओं के शरीर के अंदर, यानी कि जो हमारी बॉडी है ना, इसके अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं, अधिकतर हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, वो कई हमारे लिए लाभदायक होते हैं, लेकिन जो बाहर से हम पे हमला कर देते हैं ना, वो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। हमारे पेट में हमारी जो आंत होती है ना, उसके अंदर हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे खाना पचाने में हेल्प करते हैं। अब जैसे अमीबा, ये सूक्ष्म जीव अकेले रहता है, जबकि कवक और जीवाणु समूह के रूप में रहते हैं। अब हम और सूक्ष्म जीव है ना, अब लाभदायक है, कुछ हानिकारक है, कुछ रोगकारक है, इन सब का डिटेल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मित्रवत, यानी कि ये हमारे दोस्त कैसे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपने खाई होगी जो सूक्ष्म जीव से बनती है, जैसे दही तो हम रोज खाते हैं, है ना, दही बहुत पौष्टिक होता है, स्वास्थ्य के लिए फायदेकारक होता है। फिर ब्रेड है, पिज्ज़ा है, केक है, और इडली है, डोसा है, खमंड है, जलेबी है, सबके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना। ये सब किससे बनाए जाते हैं, कभी सोचा, ये सब सूक्ष्म जीव द्वारा तैयार किए जाते हैं। अभी अपन बनाना भी सीखेंगे इनको, कैसे बनाते हैं, है ना। अब इसके अलावा ये क्या काम करते हैं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी ये योगदान देते हैं। कैसे देते हैं योगदान, जितने भी सड़े गले मृत पदार्थ होते हैं, कोई जीव मर जाता है, पेड़ पौधों की टहनियाँ पत्तियाँ गिरती है, थोड़े दिन बाद हम देखेंगे गायब हो जाती है, कहाँ गई सब, छोटी छोटी उसके नीचे भूरभूरी सी मृदा रह जाती है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। तो ये जो हम मृदा बन जाती है, वह बहुत पौष्टिक होती है, पेड़ पौधों की पैदावार बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए। तो है ना, ये किस में बदल जाती है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर ये खाद मैन्योर में बदल जाती है, और जिससे कि जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ जाती है। इसके अलावा नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने में भी बैक्टीरिया बहुत हेल्प करते हैं। अब जीवाणु जो होते हैं ना, वही दूध को दही में बदलते हैं। कौन सा जीवाणु बदलता है, लैक्टोबैसिलस। दही जमाना सबको आता होगा ना, थोड़ा सा दूध लो, उसके अंदर लैक्टोबैसिलस वाला बैसिलस डाल दो, बस आपका दूध दही में बदल जाएगा। अब आप सोचोगे कहाँ से लाएंगे, तो थोड़ा सा जो दही होता है ना, उसी में से थोड़ा सा जामन बोलते हैं हमारे देशी भाषा में, उस जामन को उस दूध के अंदर डाल देते हैं, और फिर उसको ढककर रख देते हैं, 2-3 घंटे बाद हम देखेंगे। ठंड के दिनों में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, गर्मी में तो बहुत जल्दी से इसमें फर्मेंटेशन हो जाता है और दूध किसमें बदल जाता है, दही में। इसके अलावा जीवाणु से हम पनीर बनाते हैं, अचार, अनेक खाद्य पदार्थ के उत्पादन में ये सहायता करते हैं। रवा, सूजी, इडली, भटूरे, ये सब इसके द्वारा बनाए जाते हैं। देखियो, बनाना भी सिखा रहे हैं अब आपको। एक बर्तन में 1/2 किलो हमको आटा लेना है या मैदा लेना है, उसमें हमको थोड़ी सी शक्कर डाल देना, फिर गरम करना है, गरम जल उसके अंदर डालना है, है ना। आटा गूंदते हैं कि नहीं, थोड़ा सा हमने ले लिया आटा, आटे के अंदर हमने शक्कर डाल दिया, गर्म पानी से उसको गूंद दिया, और उसमें थोड़ा सा क्या डालना है, यीस्ट का पाउडर,
फिर 2 घंटे बाद हम देखेंगे कि जो आटा हमने बनाया है, जो डो हमने तैयार किया है, वो कैसा हो गया है, फूल के मोटा हो गया है। क्या हुआ यहाँ पर? खमीर उड़ गया है, फर्मेंटेशन हो गया है ना। किसके द्वारा हुआ है यहाँ फर्मेंटेशन? यीस्ट के द्वारा हो गया है। यीस्ट तेजी से रिप्रोडक्शन करती है, जनन करती है, बहुत सारी यीस्ट को बनाती है। और इस मेथड में क्या होता है, वो रेस्पिरेशन करती है, श्वसन। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब भी श्वसन होता है तो CO2 गैस निकलती ही निकलती है, कोई सा भी हो, CO2 गैस तो निकलना ही है। तो उस श्वसन के दौरान यहाँ पे अनॉक्सी श्वसन होता है। यीस्ट में ये कौन सा श्वसन हो रहा है? फर्मेंटेशन हो रहा है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर अनॉक्सी श्वसन हो रहा है और यहाँ पर CO2 बन रहा है। ये अब CO2 बहुत तेजी से जब बाहर निकलती है तो छोटे छोटे छेद भी होते हैं। आप देखते हैं ना कितने स्पॉन्जी, केक कैसा बना, स्पॉन्जी बना है। तो स्पॉन्ज कहाँ से आया? वो सब कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। अब इसके अलावा ये तो हमारे घरेलू हो गए, लेकिन हम वाणिज्य उपयोग भी कर सकते हैं, यानी कि इससे पैसा कमा के फ़ायदा भी ले सकते हैं। तो वाणिज्य उद्योग में क्या आता है? वाणिज्य उद्योग में आता है अल्कोहल, शराब। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये सब चीज़ें अच्छी नहीं होती है, सड़ा सड़ा के बनाई जाती है। शराब तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे हमारे यकृत को बहुत नुकसान होता है, हमारी किडनियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो कोई भी यदि शराब का प्रयोग करता है तो कृपया ना करें, है ना। तो यहाँ पर सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या बनाया जाता है, जिसमें नाम है अल्कोहल, शराब और एसिटिक एसिड, इनमें सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है? जो गेहूं, चावल, फलों के रस के साथ प्राकृतिक शर्करा में यीस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। तो इसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर कि हम 500 ml बीकर लेंगे और उसमें 3-4 भाग जो है पानी का भरेंगे, 2-3 चम्मच उसमें शक्कर डाल देंगे और फिर साथ में यीस्ट का पाउडर डाल देंगे। उसके बाद में हम उसको थोड़े से गर्म स्थान पर रख देंगे। फिर बाद में हम उसको जब खोलेंगे ना, ओपन करेंगे, तो उसमें तीखी सी गंध आएगी और वो गंध किसकी रहेगी? अल्कोहल की रहेगी। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने के कारण यह दुर्गंध आती है। अल्कोहल में यह परिवर्तन होना किडवन या फर्मेंटेशन कहलाता है। और शराब जो होती है वह भी इसी तरह से तैयार की जाती है, जैसे अंगूर है, एप्पल है, एप्पल की शराब बनेगी, अंगूर की शराब बनेगी, गेहूं की शराब बनेगी। तो ये कैसे बनती है? तो इनमें भी क्या किया जाता है, या गन्ना है तो इनमें इनको रखा जाता है और इनमें भी फर्मेंटेशन किया जाता है। फर्मेंटेशन के फलस्वरूप इनमें भी तीखी गंध आती है और अल्कोहल बनता है और उससे शराब बनाई जाती है। तो कितनी बेकार होती ना, सड़ जाती है पूरी तरह से, ये तब जाके बनती है। अब ये जो किडवन है, इनकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी 1857 में। ठीक है, ये तो नुकसान हो गया, अब देखते हैं फायदा। औषधि उपयोग, औषधि के उपयोग क्या है कि कई बार जैसे ये वाली हम एक बीमारी पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर, है ना, बीमार पड़ जाते हैं, या कोई एंटीबायोटिक्स आपको दी जाती है ना। जैसे ही हम मेडिकल पे जाएंगे, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो वो बताता है ये तो एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स आपको लेना जरूरी है। तो ये कैसे बनती है? ये भी इसी, मैंने आप लोगों को चित्र दिखाया था ना अभी पेनिसिलियम का, उसी से मिलती है। इन औषधियों का स्रोत भी सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देते हैं और उनकी वृद्धि को रोक देते हैं। इस प्रकार औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक्स कहते हैं। मतलब यह क्या करते, ये भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन जो दूसरे सूक्ष्म जीव है, जो हमें हानि पहुँचाते हैं, हमें बीमारियाँ पहुँचाते हैं, उनको मारने का काम करते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए फायदाकारक हो गए। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स या प्रतिजैविक। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार की प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन किया जाता है और उनका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। आप लोग मेरे साथ बोलिएगा, याद हो जाएगा, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये टेबलेट, ये सब एंटीबायोटिक्स के अंतर्गत आती है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, जिन्हें कवक और जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है और इनका अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में इनको लाया जाता है। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे,
है ना। ये जो अभी हम एंटीबायोटिक्स पढ़ रहे हैं ना, इनकी खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, ये कई बार एग्जाम में, आप पीएससी की भी एग्जाम देंगे उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है ये। हाँ, किसने खोज की पेनिसिलिन की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, देखिए कई चीज़ें अचानक से हो जाती हैं और बहुत फायदेमंद सिद्ध हो जाती है, तो यहाँ इनके साथ भी ऐसा हुआ था। ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कल्चर मीडिया इन्होंने संवर्धन जो बोलते हैं ना, कल्चर मीडिया उसको तैयार किया था और उसकी प्लेट पर बैक्टीरिया पे वो रिसर्च कर रहे थे कुछ दवाई की बनाने की, उसको रख दिया, फिर रख के वो भूल गए। नेक्स्ट जब आया तो उसके ऊपर उन्होंने देखा तो छोटे छोटे ग्रीन कलर के कुछ निशान से लग रहे थे, फफूंद जैसे लग रहे थे। उन्होंने बीजाणुओं को देखा, फिर देखा कि अरे ये तो इन बैक्टीरियाज को किल कर रही है, मतलब वो बैक्टीरिया खत्म हो गए और सब जगह वही वही नजर आ रही थी। तो उन्होंने कहा इसमें ऐसा कोई गुण है जो इनको नष्ट कर रहा है, है ना। फिर उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च किया और फिर उन्होंने पेनिसिलिन का आविष्कार किया, है ना। तो उसका नाम दिया पेनिसिलिन। आप लोग इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई हुई है और आप लोगों के तो आएगी सही। इसके अलावा जो हम पशु आहार देते हैं ना, कुक्कुट आहार, पशु मतलब जो हमारे गाय बैल भैंस है, कुक्कुट में कौन आ जाएगा? मुर्गे मुर्गियाँ। तो इनको जो खाना दिया जाता है उसमें भी एंटीबायोटिक्स को मिला दिया जाता है, तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि पशु में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना। तो इनके खाने के साथ यदि कोई सूक्ष्म जीव इनकी बॉडी में इंटर कर जाएगा तो बीमारियाँ करेगा, तो उसको रोकने के लिए भी एंटीबायोटिक्स दिया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे पौधों के रोगों के नियंत्रण के लिए भी प्रतिजैविक का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जाम में कभी इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है, भाई एंटीबायोटिक्स के लाभ बताइए कि क्या क्या फायदा, तो हम ये सब इसमें लिख सकते हैं। अच्छा, अब ये बात और ध्यान रखना है हम, कि मैं मैडम ने बता दिया था कि एंटीबायोटिक्स लेने से सारे बैक्टीरिया किल हो जाएंगे और हार्मफुल और हमें बेनिफिट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। पर्टिकुलर बीमारी, हर बीमारी के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है, अलग अलग एंटीबायोटिक्स होते हैं। हो सकता है आपको जो बीमारी है वो एंटीबायोटिक्स आप नहीं ले रहे, तो उसके लिए हमको डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए, है ना, और उनकी सलाह के बाद ही हमें एंटीबायोटिक्स का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जैसे सर्दी जुकाम फ्लू है, ये इसके लिए भी कई लोग एंटीबायोटिक ले लेते हैं, है ना, जबकि ये किससे हो रहा है, ये देखिए वायरस से हो रहा है ये, तो इस पे एंटीबायोटिक काम नहीं करेगा, है ना। तो हमको यहाँ पे डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेना चाहिए और हमको इन बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स नहीं लेना चाहिए। फिर उसके बाद में आ जाता है वैक्सीन, टीका, सभी को लगा होगा, जितने स्टूडेंट हैं सबको टीका लगा होगा बचपन में। क्यों लगा, है ना, क्यों लगा टीका? टीका हमें बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। जब सूक्ष्म जीव जो होते हैं ना हमारी बॉडी में अंदर इंटर कर लेते हैं, तो हमारी जो बॉडी होती है वो प्रतिरक्षी बनाती है, है ना। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी, क्या बनाती है, एंटीबॉडी बनाती है। जैसे कोई हमारे ऊपर हमला करता है, जैसे अब मेरे पे कोई हमला कर रहा है तो मैं एकदम से उसको रोकूंगी ना अपने हाथों से कि नहीं भाई नहीं करो हमला, बचूंगी, है ना। तो ऐसी हमारी बॉडी में जब कोई जाता है तो हमारी बॉडी भी बोलती है रुको रुको हमला मत करो, तो वो क्या बना लेती है, रोकने के लिए एंटीबॉडी बना देती है, प्रतिरक्षी को तैयार करती है, पूरी एक सेना तैयार कर लेती है ताकि वो बाहर से आने वालों के साथ फाइट कर सके। अब ये तो क्या होती है, हमारी बॉडी स्वयं बनाती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी को रक्षा करने के लिए समय नहीं मिल पाता, है ना, टाइम लग जाएगा फोर्स तैयार करने में, तो क्या किया जाता है, उसे वैक्सीन दिया जाता है, इंजेक्शन। जब वो छोटा बच्चा रहता है तब से ही स्टार्ट कर दिए जाते हैं, तो उसको क्या थोड़ी सी मात्रा में मृत या हल्का सा बेहोशी के इंजेक्शन में थोड़े से सूक्ष्म जीव का उसमें इंजेक्शन में मिला होता है, वो उसकी बॉडी में इंटर कर देता है। जब उसकी बॉडी में जैसे इंजेक्शन लगा दिया तो उसकी बॉडी में वो वायरस या जो भी कुछ है, जिस भी बीमारी का, अलग अलग बीमारी के अलग अलग टीके होते हैं ना, जैसे DPT का अलग होगा, पोलियो का अलग होगा, हर बीमारी के लिए अलग अलग टीके होंगे, तो उसका थोड़ा सा अंदर डाल देंगे। अब उसके अंदर गया तो उसके अंदर क्या बन जाएंगे, उसके एंटीबॉडी प्रतिरक्षी बन जाएंगे, ठीक। अब अगली बार यदि किसी बड़े रूप में हमला होता है, बड़े रूप में हमला होगा तो पहले से फोर्स तैयार है, पहले से एंटीबॉडी है हमारे पास में, और हम उनके ऊपर हमला कर देंगे और हम उस बीमारी से बच जाएंगे। कोरोना के साथ क्या हो रहा है कि कोरोना का वैक्सीन अभी तैयार नहीं हो पा रहा है ना,
क्यों? क्योंकि वो अपना फॉर्म चेंज कर रहा है, बार बार अलग अलग तरह का वायरस बन रहा है। यदि हमें पहचान में आ जाएगा कि ये वायरस ऐसा है, तो उसका वैक्सीन जब बन जाएगा, थोड़ी सी मात्रा में उसका जो द्रव्य निवेश द्रव्य रहेगा वो उसको लेकर हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा। अभी ट्रायल चल रहा है ना, ट्रायल का मतलब यही है कि उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगे, और जब नेक्स्ट टाइम वो हम पे हमला करता है तो हम उसको हमारी बॉडी में नहीं आने देंगे। तो ये जो वैक्सीन होता है, टीका, ये यही चीज़ होती है ना। बच्चों को छोटे बन से इसीलिए लगा दिया जाता है ताकि उनमें प्रतिरक्षा डेवलप हो जाए और वो रोगों से सुरक्षित रह सकें। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए टीवी वगैरह पे आपने पहले, अब तो लगभग हमारा भारत पोलियो मुक्त हो चुका है, किसी भी बच्चे को पोलियो नहीं होता है। लेकिन पहले एक समय ऐसा था कि हर बच्चा के पैर टेढ़े हो जाते थे, हाथ भी टेढ़े हो जाते थे, जिसको ज़्यादा हो जाता था, है ना, तो लकवा टाइप हो जाता था, इसमें बच्चा चल नहीं पाता था। अब किसी को नहीं हो रहा है क्योंकि पल्स पोलियो का इतना प्रचार प्रसार किया गया, सबको बताया गया और उसकी पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाई गई, टीके लगाए गए, है ना। तो ऐसे ही टिटनेस का टीका भी लगाया जाता है, कई प्रकार के टीके हम लोग लगवाते हैं छोटे बच्चों को, तो ये सब वही है, है ना। फिर इसके बाद में आ जाते हैं मृदा की उर्वरता में वृद्धि। अब कैसे होती है इनकी उर्वरता में वृद्धि? जैसे जीवाणु है या नीले हरे शैवाल हैं, ये क्या काम करते हैं? ये देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, वायुमंडल नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। क्या करते हैं ये? वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा इसकी उर्वरता क्षमता को ये बढ़ाते हैं, अतः इन्हें हम सामान्य जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये नाइट्रोजन स्थिरीकारक नीले हरे शैवाल, ये ब्लू ग्रीन एल्गी को दिखाया है, और ये यहाँ पर भी इसका जो है बहुत सारे रूप में है, इसलिए इसका इस तरह से चित्र दिख रहा है, ये इनमें से एक लाइन को लिख के दिखाया गया है। तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकारक, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। अभी मैं जब आप लोग को नाइट्रोजन साइकिल समझाऊंगी ना, तो इसको डिटेल बता दूंगी। फिर अब आपने देखा हुआ कि जो माली होता है गार्डन की देखरेख करने वाला, उसने ये यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट बताया है कि कचरा इकट्ठा करना है और उसका निपटा गड्ढे में डालना है, कुछ समय बाद देखेंगे तो वो क्या बन जाएगा, खाद बन जाएगा। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पे दिया हुआ है, वो देखते अपन। दो गमले लेना है, एक गमला जो है उसमें मिट्टी से भरना है और मिट्टी के साथ साथ उस पर एक ए, दो गमले पे हमको चिन्ह भी करना है ना, एक पे ए लिखना है और एक पर बी लिखना है। मिट्टी भर दिया, आधा भर दिया, उसके बाद ए बी उनको लिख दिया है, और उसके बाद ए गमले में पौधे का कचरा भरना है, जैसे पत्तियां हैं, डंडियां हैं छोटी छोटी, इन सबको हम उसमें डाल देंगे। और बी वाले में हम क्या डालेंगे? पॉलीथीन, थैली, कांच, प्लास्टिक की बॉटल्स, कांच वगैरह, टूटे फूटे खिलौने, ये सब उसके अंदर डाल देंगे। फिर इनको 3-4 सप्ताह के लिए ऐसे ही ढक के रख देंगे। तो आप क्या देखेंगे इसमें? जो हमने ए और बी जो दो गमले लिए थे ना, तो फर्स्ट गमले में क्या हो जाएगा 3-4 सप्ताह बाद? मैन्योर, खाद बन जाएगा। लेकिन जो पॉलीथीन वगैरह हमने भरी थी उसमें कोई डिग्रेडेशन नहीं होगा, है ना। तो सूक्ष्म जीव द्वारा जो ये मिट्टी वगैरह में जो हमने कचरा डाला था ना, पेड़ पौधों का, पत्तों का, वो सब किस में कन्वर्ट हो गया है? खाद बन गया है। यानी कि जो मुख्य कारण इसका क्या होगा? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होते हैं मृत जैविक अवशिष्टों का अपघटन करते हैं और उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ अन्य पौधे और जंतुओं द्वारा पुनः उपयोग कर लिए जाते हैं। अब जैसे पत्ती वगैरह है, इनमें से जो न्यूट्रिएंट वैल्यू निकलेगी और फिर इस मिट्टी को, इस खाद को हम वापस से मिट्टी में डाल देंगे, तो वो जितने भी है वो सब इसमें से पौधे हैं बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इस प्रकार हानिकारक दुर्गंधयुक्त पदार्थों का निम्नीकरण करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके पर्यावरण का शुद्धिकरण कर सकते हैं। अब ये तो सब हमने अभी पढ़ लिए लाभ, अब हम पढ़ेंगे हानि। इनसे कई प्रकार के हानिकारक भी होते हैं। मनुष्य जंतु पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। ऐसे रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं इनको।
क्या बोलते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं उनको रोगजनक या पैथोजेंस कहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े, चमड़े की वस्तुओं को नष्ट कर देते हैं। आप लोगों ने अभी देखा होगा बारिश के समय में कितना नुकसान होता है। बारिश के समय में जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं ना, बहुत जल्दी जल्दी इनमें तेजी से रिप्रोडक्शन होता है। हमारा कोई चमड़े का बैग है या हमारे बेल्ट वगैरह है, वो इतनी जल्दी उन पर फफूंद लगती है कि हम जब तक संभालने जाते तो वो पूरा अपना ग्रीन कलर, ब्लैक कलर तो उसके ऊपर छोड़ ही देते हैं। हमको बहुत साफ करना पड़ता है उसको, है ना। तो ये तो है ही। इसके अलावा हम पहले पढ़ते हैं मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन कौन सी बीमारियां होती है, ये जल्दी से पढ़ लेते हैं क्योंकि अपने को ये पता होना चाहिए बीमारियों के बारे में। तो खासकर सूक्ष्म जीव श्वास द्वारा, पेय जल के द्वारा, भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए हमें हमेशा जो साफ हवा, अभी मास्क इसीलिए लगवाया जा रहा है ना, फिर पेयजल यानी कि साफ पानी पीना चाहिए, भोजन जो हम करते हैं वो भी साफ शुद्ध होना चाहिए, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होना चाहिए, पानी के अंदर प्रदूषित पानी नहीं होना चाहिए। संक्रमित व्यक्ति या जंतु से सीधे संपर्क में आने से भी रोग का संचरण हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो संक्रमित व्यक्ति द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल या भोजन या कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, उन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। अब इन्हें आप समझिए, संचरणीय रोग, कम्युनिकेबल डिसीज। दो तरह के रोग होते हैं, एक होते हैं संक्रामक और एक होते हैं असंक्रामक। संक्रामक जो एक दूसरे में फैलते हैं, कोई भी माध्यम हो सकता है, जैसे यहाँ पे भी आपने लिखा हुआ है कि हवा हो सकती है, पानी हो सकता है, भोजन होता है, या उस व्यक्ति के छूने या उसकी ड्रॉपलेट्स, खांसने छींकने, किसी भी माध्यम से, है ना, एक व्यक्ति में है और वो दूसरे में, तो वो दूसरे में भी रोग कर देगा। जैसे सर्दी, इन्फ्लुएंजा हम पर जो सब बोलते हैं, या कोरोना हम जिसे जान रहे हैं ना अभी, ये सब कैसे संक्रमित है, एक दूसरे में फैल रहे हैं, तो इनको हम संचरणीय या कम्युनिकेबल डिसीज कहेंगे। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, नहीं फैलने वाले। जैसे हमको बुखार आ गया, मुझे बुखार है तो किसी और को नहीं होगा, हाँ, मेरा सिर दुख रहा है तो किसी और का नहीं दुखेगा, कैंसर है तो वो किसी और को नहीं होगा। तो ऐसे रोग किस में आ जाएंगे, नॉन कॉम यानी कि असंचरणीय रोग कहेंगे। अब यहाँ पे देखिए संचरणीय के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, हेजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स और क्षय रोग, ये सब कैसे हैं, संचरणीय रोग हैं। अब जैसे कोई जुकाम वाला व्यक्ति है, वो जोर से छींक रहा है, उसे सूक्ष्म बूंद निकल रहे हैं, उसमें कितनी हजारों की संख्या में वायरस होते हैं और वायु में आ जाते हैं और श्वास द्वारा दूसरे के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे हम कैसे रोक सकते हैं, अगर कोई खांस रहा, छींक रहा है ना, तो उस व्यक्ति को अपने मुंह को कवर करके रखना चाहिए, या तो रुमाल का प्रयोग करना चाहिए या फिर मास्क लगाना चाहिए। अब इसके अलावा देखेंगे हम कुछ कीट और जंतु भी होते हैं जो रोग कारक होते हैं, और उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, रोग वाहक के नाम से जानते हैं, जो रोग फैलाने का काम करते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण इसमें है मक्खी, बहुत खतरनाक होती है। टाइफाइड जो है ना, मोस्टली इस मक्खी के द्वारा ही फैलता है। इसके जो पैर होते हैं ना, इसकी संरचना आप देखना, उस पैर में क्या निकले होते हैं, छोटे छोटे से, इस तरह से मैं चित्र इसको बना के बताती हूँ आपको, ये जैसे मक्खी का पैर है, इस तरह से ये पैर है ना जिसकी डिजाइन रहती है, तो इस पैर में क्या होता है, यहाँ छोटे 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 इस तरह की रचनाएं निकली होती है पैर के अंदर। आप ध्यान से देखना, इसे छोटे बालनुमा रचनाएं होती है, और ये रचनाएं क्या करती है, जहाँ भी गंदी जगह पर बैठेगी ना, जैसे किसी गोबर पर बैठती है या फिर किसी भी कंटामिनेट एरिया पर बैठेगी प्रदूषित, तो वहाँ पर इसकी जो पैर है वहाँ पर वो जो सूक्ष्म जीव होंगे वो इससे टच हो जाएंगे, फिर ये उड़ के सीधे हमारे खाने पर बैठती है। कभी भी देखना, आप मक्खी को भगाएंगे ना, आपकी स्किन पर भी बैठेगी ना वो, तो आगे बैठी है। अब मान लो किसी को स्किन डिजीज है, या देख ला किसी को चोट लग जाती है ना, तब भी वहीं आकर वो बैठती है, और वहां से उन जो सूक्ष्म जीव है रोग कारक, उनको अपने पैरों से लेकर खाने तक पहुंचाती है, और वो खाने के माध्यम यदि वो ढका हुआ नहीं है तो हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। इसलिए खाने को हमेशा आपको ढककर रखना चाहिए, और जितनी बार भी आप हो ना सका हाथ धोते रहिए, हाथ तो धोना ही चाहिए किसी भी खाने की चीज़ों को छूने से पहले। इसके अलावा जो नेक्स्ट नाम है वो मच्छर है, है ना, मच्छर में कौन सा नाम है, मादा एनाफिलीज, यह भी मलेरिया रोग करती है। इसके अंदर मच्छर में क्या रहता है, ये प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम जो नाम लिखा हुआ है ना, या ये क्या है, मलेरिया परजीवी है,
मलेरिया रोग करता है, मलेरिया रोग वाहक होता है। मादा एंडीज मच्छर, दूसरा नाम है मादा एंडीज मच्छर, ये क्या करती है, डेंगू वायरस की वाहक होती है। एक और होता है क्यूलेक्स, है ना, ये अलग 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 जो मच्छर होते हैं ना, इनके ये मच्छर के प्रजाति भी अलग अलग होती है। जैसे ये मादा एनिफिलीज दिखा रखी है ना, छोटा मच्छर बड़ा मच्छर जनरली हम ये जानते हैं, तो ये फीमेल होती है। ऐसे ही ये मादा एंडीज, एंडीज का मच्छर छोटा होता है, दिन में काटता है और ये रात में काटती है मोस्टली, तो ये मच्छर भी अलग अलग है। और इनको जो करने वाले हैं आप, जैसे डेंगू, डेंगू के लिए वायरस का वायरस है ना, और यहाँ पर हम देखेंगे ना ये मलेरिया करने वाला, तो ये क्या है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम क्या है, प्रोटोजोआ में आएगा। अब मच्छर से कैसे बचे, तो मच्छर से बचने का एक अच्छा उपाय ये होता है कि ये कहाँ पर पैदा होते हैं, पानी में पैदा होते हैं, तो आप पानी कहीं इकट्ठा नहीं होने दें, बहते पानी में नहीं होंगे। एक्चुअली इनकी लाइफ साइकिल कैसी होती है कि एक जगह पानी भरा हुआ है, पानी के अंदर ये मादा अपने अंडे दे देगी, अंडे से जो लार्वा का जीवन होता है वो पानी में ही कंप्लीट होता है, पानी नहीं होगा तो वो डेड हो जाएगा, बहता पानी होगा तो बह जाएगा, है ना। तो ठहरे हुए पानी में इसके छोटे छोटे पानी की सतह पर ये फीमेल जो होती है अंडे दे देती है, फिर इसके लार्वा आपने पानी में देखा होगा इस तरह से क्रेवलिंग करते हुए, बहुत सारे लार्वे आपको नजर आएंगे इस तरह से पानी में तैरते रहते हैं। तो ये फिर बाद में इनमें मॉडिफिकेशन होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है और ये मच्छर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हमको क्या करना है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना, अगर इकट्ठा हो जाता है ना तो इसके ऊपर थोड़ा सा घासलेट डाल दो, तो वो सांस नहीं ले पाएगा लार्वा और वो डेड हो जाएगा, तो हम मलेरिया से बच सकते हैं। फिर इसके बाद में ये टेबल दी हुई है, बड़ी अच्छी टेबल है, इसको आप अच्छे से याद करिएगा, मनुष्य में सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले रोग। तो यहाँ देखेंगे कौन कौन से रोग हैं, मानव का जो है पहला क्षय रोग है, फिर रोग कारक सूक्ष्म जीव देखेंगे, फिर इनके संचरण का तरीका और बचाव के उपाय। रोग कारक मतलब जो रोग फैलाने वाले जो छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं वो, फिर ये कैसे फैलते हैं एक से दूसरे में और कैसे इनसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले क्षय रोग, यानी कि ये किसके द्वारा होता है, टीबी, ये कौन सी बीमारी है, ये टीबी की बीमारी है। अब ये किसके द्वारा होती है, जीवाणु के द्वारा होती है, वायु से फैलती है। मीजल्स, मीजल्स छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं ना उनमें से छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाती है पूरी स्किन के ऊपर, बुखार भी आता है, थोड़े से हल्की सी रेडिश होती है, तो ये बहुत खतरनाक बीमारी होती है, बच्चा बेचारा बहुत परेशान होता है इसमें। तो ये भी वायरस से होती है, हवा के द्वारा होती है। फिर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स में थोड़ी खसरे, खसरे में बहुत बारीक फुंसियाँ होती है, इसमें थोड़ी बड़ी फुंसी होती है, ये भी वायरस द्वारा होता है, वायु या सीधे संपर्क में से हो जाता है, है ना। हमारे गाँव में इसको क्या माता जी के नाम से जाना जाता है ना, कि और फिर कुछ नियम भी पालन किए जाते हैं, तो ये जो डिजीज़ है ये वायरस से होती है। फिर पोलियो, ये भी वायरस से होता है, वायु और जल के द्वारा। तो अब इससे बचाव के उपाय, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए कौन कौन सी, टीबी, क्षय रोग की, खसरा, मिजल्स, चिकन पॉक्स और पोलियो, इनसे बचने के लिए रोगी व्यक्ति को पूरी तरह अन्य व्यक्तियों से अलग कर दिया जाता है, यानी कि आइसोलेशन में भेज दिया जाता है, व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखा जाता है, उचित समय पर इसका टीकाकरण करवाना चाहिए। फिर नेक्स्ट हैजा और टाइफाइड। तो हैजा जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसमें भी लूज मोशन होते हैं, काफ़ी हालत ख़राब हो जाती है, ये जल और भोजन के द्वारा फैलता है। और टाइफाइड जीवाणु, ये पानी के द्वारा फैलता है। व्यक्तिगत स्वच्छता, अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके हुए भोजन और उबला हुआ पेय पदार्थ लेना चाहिए और टीकाकरण करवाना चाहिए इसमें। अब है हेपेटाइटिस ए, ये भी वायरस से होता है, पानी, उबले हुए पेय जल का प्रयोग और टीकाकरण। फिर आएगा मलेरिया, प्रोटोजोआ, मच्छर, मच्छरदानी का प्रयोग, मच्छर भगाने के लिए क्रीम, रसायनों का प्रयोग करना चाहिए और पानी को एक स्थान पर एकत्रित नहीं होना देना चाहिए। अब इस ये तो हो गए, अब जंतुओं में रोग कारक जीवाणु, अब ये पढ़ते हैं अपन। अनेक सूक्ष्म जीव मनुष्य और पौधों में ही रोग नहीं करते वरन दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर देते हैं। यहाँ पे देखिए रॉबर्ट कोच को बताया है, 1876 में बैसिलिस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिए, एंथ्रेसिस नामक जीवाणु, जीवाणु का नाम क्या है, एंथ्रेसिस, और कौन सा रोग करता है, एंथ्रेंस रोग करता है।
है ना। इससे क्या होता है, एंथ्रेक्स मनुष्य और मवेशियों में होने वाला बहुत भयंकर रोग होता है जो जीवाणु द्वारा होता है। गाय में खुर और मुंह का रोग वायरस के द्वारा होता है। मुंह खुर का रोग होता है, गाय की बहुत हालत खराब हो जाती है, उसके बहुत थकावट वाली गाय हो जाती, बहुत रंभाती है इस रोग के कारण से। ये भी खतरनाक रोग होता है, जैसे एंथ्रेक्स खतरनाक है ना। एंथ्रेक्स जो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, पता है, इससे एंथ्रेक्स से जैसे भी कोरोना बम नहीं बना है, ऐसे एंथ्रेक्स के बम भी बनाए जाते हैं। जैविक हथियार जिन्हें कहा जाता है ना युद्ध के लिए, वो एंथ्रेक्स से बनाए जाते हैं। ये बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, बायोलॉजिकल वेपन के नाम से जाना जाता है। अभी आप लोगों ने बमों के बारे में सुना होगा ना कि ये बम युद्ध भी चल रहा है आर्मेनिया का अरबिजिस्तान से, तो वो तो हो रहा है वेपन से, लेकिन इस तरह के बायोलॉजिकल भी यूज़ किए जाते हैं वेपन्स जो एंथ्रेक्स बैक्टीरिया से बनाए जाते हैं, एंथ्रेसिस बैक्टीरिया से। एंथ्रेक्स रोग होता है ना, इससे बनाए जाते हैं और ये वाला रोग हो जाता है फिर लोगों में। पौधों में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव, ये तो जीव जंतु हो गए। अब पौधों में आलू, चावल, गन्ना, संतरा, सेब, सब कई प्रकार के रोग होते हैं। फसल की उपज कम हो जाती है ना। गेहूं जो होता है ना, उसमें कवक लग जाते हैं, पिक्सिनिया बोलते हैं। उसमें क्या होता है, वो पूरी उसकी जो बाली होती है ना, वो पूरी ब्लैक हो जाती है, तो उसकी वजह से पूरी फसल का नाश हो जाता है। ये देखिए यहाँ पर भी दिखा रखा है, इस तालिका में भी हम देखेंगे। नींबू का केकर, ये किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। वायु से इसका संचरण होता है। ये नींबू में केकर रोग का प्रदर्शन किया गया है यहाँ पर, गलने लगता है, खराब होने लगता है ये। गेहूं का रस्ट, ये कवक के द्वारा होता है। ये रस्ट इसी की बात कर रही थी मैं, ये यहाँ पर इसकी पत्तियों में इस तरह के पीले पीले धब्बे दिख रहे हैं ना आपको, ये गेहूं की पत्ती है। लेकिन जब बाद में इसमें रस्ट की बीमारियाँ हो जाती है ना एक कवक के द्वारा, तो फिर क्या होता है, वो पूरा उसका बीज खराब हो जाता है। फिर भिंडी की पीत वायरस कीट, ये भिंडी के जो पत्ते होते हैं ऐसे पीले पड़ जाते हैं, इन पे वाइट वाइट स्पॉट। ये जो भिंडी की पीत है ना, ये येलो कलर वाला, ये तो वायरस के द्वारा होता है, लेकिन इसके पत्ते कभी कभी सफ़ेद कलर के भी डॉटेड डॉटेड हो जाते हैं, तो वो फंजाई के द्वारा रोग होता है। तो इस प्रकार से इनमें भी जो हम ये देखते हैं, पौधों में भी कई तरह के रोग हो जाते हैं। फिर फूड पॉइजनिंग, अनेक प्रकार की यदि हम व्यंजन देखते हैं, कई बार हम खा लेते हैं किसी होटल वोटल में, यहाँ पर भी एक पार्टी का जिक्र करा है कि किसी के घर गए खाने के लिए और फिर वहाँ से आके हमारी बॉडी में वोमिटिंग होने लगी है, तो डॉक्टर को जब दिखाएंगे तो वो बताएंगे कि आपके फूड पॉइजनिंग हो गई। तो फूड पॉइजनिंग क्या है, फूड पॉइजनिंग ऐसा है कि ऐसे कुछ रासायनिक तत्व हमारे शरीर में प्रवेश कर जाए जिसको हम हजम ना कर पाए, तो हमारी बॉडी उसको बाहर निकालेगी, है ना। तो ये कैसा होता है, जब खाना काफ़ी समय तक रखा होता है, उसमें सूक्ष्म जीव ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं, और वो जाके उस विष का काम करते हैं, एक तरह से उस खाने को सड़ाने का काम करते हैं, विष बन जाता है और ऐसे वैशाले रसायन उत्पन्न होने लगते हैं, तो हमारा पूरा जो खाना होता है ना खाया हुआ, हमारी बॉडी में जाके उस हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करता है और हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है, और हम कई लोगों की तो डेथ भी हो जाती है फूड पॉइजनिंग के बाद, इतनी उल्टियाँ होती है। तो इससे हमको बचा के रखना चाहिए और ऐसे विषाक्त खाने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैंने हमें घर में बने हुए ताजे भोजन को ही करना चाहिए। बच्चों में अभी बहुत पिज्ज़ा बर्गर फैशन चला हुआ है, और इनको खाने के बाद मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे बच्चों को उस समय अच्छा लगता है, लेकिन बाद में सबका पेट में तो फूलता ही फूलता है वो जाके, है ना। तो आप खाएं, लेकिन कैसा खाएं, ताज़ा बना हुआ खाएं। फिर खाद्य परिरक्षण, तो सूक्ष्म जीवों का अभी हमने हानि भी लाभ भी पढ़ लिया था, फिर हानि पड़ी, अब उनके हम कुछ चीज़ों को सेफ करके भी रख सकते हैं। अभी तक तो नुकसान नुकसान पड़ा है कि वो सबको नष्ट कर देते हैं, अब हम देखेंगे वो फायदा भी करते हैं, तो वो देखते हैं कैसे, है ना। तो क्या है, देखो कवक आक्रमण कर देता है अगर खुली हुई ब्रेड वगैरह रखी है, तो वो खराब होने लगती है। लेकिन अब इनको यदि हमें बचाना है तो हम इनके लिए बचाव के लिए भी सूक्ष्म जीव का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, वो समझते हैं, रासायनिक उपयोग, जैसे नमक और तेल। सूक्ष्म जीव की वृद्धि रोकने के लिए सामान्य रूप से इनका प्रयोग किया जाता है। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, परिरक्षक यानी कि प्रिजर्वेटिव, जो हमारे भोज्य पदार्थ को नष्ट होने से बचाते हैं। मेनली हमारे घरों में हम नमक और खाद अम्लों का प्रयोग करते हैं। हमारे अचार कितने दिन तक अच्छा रहता है, नींबू का अचार, आंवले का अचार, केरी का अचार, मीठा खट्टा सब तरह का बनाते हैं। हमारे यहाँ मुरब्बा भी बनता है, जैम जैली सब बनते हैं। तो इनमें है ना, इनको
बचाने के लिए या तो हम इनमें क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का प्रयोग कर सकते हैं, प्रिजर्वेटिव के रूप में काम में ले सकते हैं इसको, या सोडियम मेटा बाइसल्फाइड का प्रयोग कर सकते हैं। जेम और स्क्वैश बनाने के लिए भी इन्हीं रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गए रसायन, लेकिन यदि हम सिंपल देखें तो हमारे घर में हम नमक डाल के सब चीज़ों को रख सकते हैं ना, ख़राब होने से बचाने के लिए। जैसे कि हमारे घर में क्या करती है मम्मियाँ, वो बनाती हैं कि जैसे आंवले की सुपारी बनाती है, उसमें नमक डाल देती है, धूप में सुखा देती है, तो वो प्रिजर्वेटिव का काम करता है। अब यहाँ पे नमक का क्या करा है, मांस मछली इन सबको भी काफ़ी समय तक सेफ करके रख सकते हैं, उसको धूप में सुखा लेते हैं और फिर रख देते जाए ताकि उन पर किसी प्रकार के बैक्टीरिया की वृद्धि ना हो। फिर चीनी द्वारा, अब इसमें हम जैम जैली स्क्वैश है ना, जितनी भी मीठी चीज़ होती है, मुरब्बा होता है, आंवले का भी होता है ना, बड़ा टेस्टी लगता है, तो इन सबको खाने बचाने के लिए भी, जीवाणु की वृद्धि रोकने के लिए इसमें हम शक्कर की मात्रा बढ़ा देते हैं तो ये खराब नहीं होते हैं। तेल और सिरके का प्रयोग, अचार में भी देखा होगा ऊपर तक बरनी को भरना पड़ता है तेल से ताकि उसमें कोई सूक्ष्मजीव प्रवेश ना कर सके। फिर गर्म ठंडा करना है ना, हमारे घर में दूध आता है थोड़ी 2-4 घंटे के लिए रख देंगे तो फट जाएगा वो, गर्मी के दिन है तो तुरंत क्या करते हैं हम उसको गर्म कर लेते हैं ताकि उसके सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाए। फिर उसको हम कहाँ रखते हैं, उसको हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि उसमें कोई सूक्ष्मजीव उत्पन्न ना हो और वो खराब ना हो। अब हमने देखा कि जो हमारे घर में थैलियों का दूध आता है 2-2 दिन तक खराब नहीं होता है, चाहे उसे गर्म नहीं करो, ऐसे फ्रिज में रख दो, लेकिन वो अच्छा रहता है। तो क्यों अच्छा रहता है वो देखते हैं हम। उसके लिए एक मेथड अप्लाई की जाती है और उसे हम पाश्चराइजेशन या पाश्चरीकरण की प्रक्रिया कहते हैं। इसमें दूध को क्या करा जाता है, 70 डिग्री टेम्परेचर पे 15 से 30 सेकंड तक बहुत तेज़ी से गर्म किया जाता है ना, वो फिर क्या करते हैं एकदम से उसको ठंडा कर लेते हैं। गर्म हुआ दूध और उसको तुरंत ठंडा कर लेते हैं तो क्या होता है, जितने भी सूक्ष्म जीव उसमें रहते हैं, टेम्परेचर बार बार चेंज हुआ है, एकदम गर्म हुआ है, गर्म होने के बाद एकदम ठंडा हो जाएगा, तो जितने भी सूक्ष्म जीव सब डेड हो जाते हैं, इसलिए वो दूध खराब नहीं होता है। फिर भंडारण पैकेजिंग, मेवे सब्जी इनको वायुरोधी सील किए जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना चिप्स के पैकेट्स, देखें कैसे फूले फूले होते हैं, देखने पे तो ऐसा लगा है पूरा पैक है, बहुत सारी चिप्स होंगी, निकलती थोड़ी सी है, उसमें हवा जैसी भरी होती है, क्या होती है वो गैस होती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि उसमें कोई और जो बाहर के सूक्ष्म जीव है वो प्रवेश ना कर सके और उसको पूरा सील कर दिया जाता है। अब इसके बाद में मैंने आप लोगों को जब पढ़ा रही थी तब ये वाला वर्ड आया था नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मैंने कहा जब आप आगे आएंगे तब समझाऊंगी है ना, तो इसको अब अपन अच्छे से समझते हैं। ये कई एग्जाम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण पूछा जाता है। तो आप लोगों ने पेड़ पौधों को देखा होगा, लेग्यूम कुल के पेड़ पौधे, अब मैं बताती हूँ कौन से होते हैं, जैसे चना है, तुअर है, मूंग है, इनके जो पौधों को हम ऐसे ऊपर खींचेंगे तो इनकी जड़ों को आप स्ट्रक्चर देखना है, इनकी जड़ों का स्ट्रक्चर यदि हम देखते हैं तो इनकी जड़ों में क्या होता है, इस तरह की रचनाएं होती हैं इनकी जड़ों की और इनमें यहाँ छोटी छोटी गठान लगी होती है, जैसे ये जड़ है तो इसमें क्या होती है छोटी छोटी गठान, फिर इधर साइड से भी निकली हुई होती है और इनमें भी छोटी छोटी गठांस होती हैं। तो ये जो जो नोड्स आप लोगों को दिख रही है यहाँ पे क्या रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं जिसका नाम क्या है, राइजोबियम। ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं ना लेग्यूम कुल के पौधों की ग्रंथिकाओं में रहते हैं, इन ये जो गठाने आपको दिख रही है ना इनको ग्रंथियाएँ बोलते हैं, अब इनके अंदर रहते हैं। और ये क्या कर, जैसे सेम और मटर एक सहजीविता है, ये साथ साथ रहते हैं। आप चने जब भी आएंगे ना, आप चने का मौसम आने वाला है तो चने का छोड़ जिसको बोलते हैं उसको आप उठा के उसके नीचे की इसकी जड़ को देखना, उसमें छोटी छोटी ऐसी ग्रंथियाँ होंगी, वहाँ पे ये राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। और ये क्या करता है, पौधे को नाइट्रोजन की जरूरत लगती है ना, एक पौधे को अच्छे से ग्रो करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य का प्रकाश, हम बोलते हैं ना, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। और ज़मीन से उसको पानी के साथ साथ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है और उन पोषक तत्वों में एक नाइट्रोजन मैन होता है। तो पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता उसको, है ना, उसको कन्वर्टेड, तो उसको कन्वर्टेड करने वाला कौन होता है, ये राइजोबियम कुल के जो बैक्टीरिया हैं ये जाकर उसके सहजीवी के रूप में यहाँ जीवन यापन करते हैं और उसको क्या प्रोवाइड करवाते हैं, नाइट्रोजन, ताकि पौधे की अच्छी पैदावार हो। देखिए ये यहाँ पर चित्र भी दे रखा है, लेग्यूम कुल की ग्रंथिकाएं, ये ऐसी जड़ें होती हैं और इनमें छोटी छोटी ग्रंथिकाएं बनी हुई होती हैं।
अब कुछ जीवाणु के अलावा जो ब्रुगलिन एल्गीज होती हैं, नील हरित जो शैवाल होते हैं, नील हरित शैवाल भी वायुमंडल स्थिरीकरण करते हैं, नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं, इस प्रकार उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है और इसके पश्चात जो अवशोषित नाइट्रोजन है उसका उपयोग कर पौधा प्रोटीन और अन्य यौगिकों का संश्लेषण करते हैं। और अब ये फिर कहाँ पर जाते हैं, ये प्रोटीन जो है वो हमारे द्वारा खा लिए जाते हैं। हम बोलते हैं ना, देखो मैंने चना बताया आप लोगों को, चने में सबसे ज़्यादा क्या होता है, चना हुआ, सोयाबीन हुआ, जो दालें होती है जैसे अरहर मूंग, इन सब में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, तो प्रोटीन होता है, तो प्रोटीन कहाँ से बन रहा है, ये जो जड़ों से द्वारा जो लिया जा रहा है ना नाइट्रोजन, ये ऊपर जाके जब चने की फलियाँ लगेगी, चने के हम निकालेंगे छिलके और फिर अंदर से चने जो खाएंगे हमको प्रोटीन मिलेगा उससे। अब हमारे बॉडी में प्रोटीन बन गया। अब ये प्रोटीन जब डेथ होता है, मिट्टी में मिलता है, सूक्ष्म जीव, कवक, नाइट्रोजन, ये सब जो होते हैं ना, इनका फिर से उपयोग कर लिया जाता है। तो ये नाइट्रोजन चक्र है एक पूरा, है ना। तो हम इस नाइट्रोजन को, चक्र को समझते हैं। कितनी टोटल एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, 78% है। नाइट्रोजन सभी सजीव का आवश्यक संगठन होता है, जो प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, इन सब में उपस्थित होता है, लेकिन इनका प्रयोग डायरेक्ट नहीं कर पाते हैं ना। तो इसको पूरा देखो इस तरह से समझ सकते हैं इस चार्ट के माध्यम से। यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन साइकिल को हमको समझना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ से इसको समझेंगे, कैसे समझेंगे, यहाँ पर हमारी जो पूरी वायुमंडल में है, तो वायुमंडल में इसका परसेंटेज कितना है, 78% क्या है, हमारी नाइट्रोजन है। अब इस नाइट्रोजन को यदि हम देखें तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का जो बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी है उनके द्वारा स्थिरीकरण किया जाता है। अब ये स्थिरीकरण होता है, इसके द्वारा जीवाणु इसे स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो ये जो नाइट्रोजन हमने ली है ना एटमॉस्फेयर से, ये जो जीवाणु है ये इस N2 को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ये N2 है, तो यहाँ पे ये पहले किस में कन्वर्ट होती है, अमोनिया, NH4 अमोनिया में, फिर अमोनिया में कन्वर्ट होती है, अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद में ये जो नाइट्रोजन यौगिक होते हैं ये किस में, NO2, फिर NO3, नाइट्राइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, इनमें परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक होते हैं ये, और इनका उपयोग यहाँ पे, अच्छा अब यहाँ से समझ लीजिए पहले इसको, एक और दूसरा, अब ये जो 78% आपकी नाइट्रोजन है इसको तड़ित मतलब जब बिजली चमकती है बहुत ज़्यादा, तो उस समय भी इसका नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है और ये भी कहाँ पहुँच जाता है, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन यौगिक के फॉर्म में पहुँच जाता है। अब यहाँ पर से क्या होता है, ये पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किनको, NO2 NO3 जो फॉर्म कन्वर्ट हुआ है ये पौधों द्वारा एब्जॉर्ब, डायरेक्ट N2 को वो नहीं ले पाते हैं, तो इस फॉर्म में ये जो नाइट्रोजन के यौगिक बने इनको ये पौधे द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, और इनको कौन खाता है, जंतु खाते हैं, जंतु की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये किस में बदल जाते हैं, नाइट्रोजन अपशिष्ट में, और ये जो नाइट्रोजन अपशिष्ट होते हैं ये फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं। अब इस प्रोसेस के थ्रू जो नाइट्रोजन यौगिक आए हैं, है ना, और यहाँ से पौधों द्वारा खाने के बाद इनकी डेथ होने के बाद वापिस ये मिट्टी में मिल गए, इन सब का फिर से नाइट्रोजन जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन यौगिक का गैसीय नाइट्रोजन में परिवर्तन हो जाता है ना। तो इनको क्या बोलते हैं, ये वाले, ये सब नाइट्रीकरण बैक्टीरिया आते हैं, यहाँ पे ये वाले जो है ना ये नाइट्रीकरण कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे विनाइट्रीकरण हो रहा है। विनाइट्रीकरण मतलब ये जो यौगिक बने हैं ना NO2 NO3 अमोनिया बना, NO2 बना, NO3 बना, तो ये वापिस से किस में चेंज हो जाएंगे, ये वापिस से नाइट्रोजन में चेंज हो जाएंगे। क्या बन जाएगा इनसे, वापिस से नाइट्रोजन N2। तो ये किसके द्वारा हो रहा है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, स्थिरीकरण हो रहा है बैक्टीरिया, ये दूसरे बैक्टीरिया है ना, और ये दूसरे तरह के बैक्टीरिया है, ये विनाइट्रीकरण बैक्टीरिया है, और फिर वापस से एटमॉस्फेयर में छोड़ दी जाती है। तो ये एक पूरा साइकिल जो होता है इसमें चलता रहता है ना, ये पूरा साइकिल हमेशा चलता रहता है। तो किसकी मात्रा, नाइट्रोजन की मात्रा एटमॉस्फेयर में कितनी बनी हुई रहती है, 78% बनी हुई रहती है।
तो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल भी पूरा कंप्लीट हो गया और इसी को हम क्या कहेंगे, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ठीक, आप लोगों को ये समझ में आया होगा चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके, बाय।